Yes. Dear students, good morning. गिरधरदास मुंद्रा बाल भारती सेकेंडरी स्कूल में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे विद्यालय के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू आयोजित की जा रही है और सभी स्टूडेंट्स जो हमारे स्कूल के हैं वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं। उनको ये फील नहीं होता कि हम स्कूल में जो है नहीं जा रहे हैं, स्कूल अटेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनका एटमॉस्फेयर जो है वो ऐसा बनाया जा रहा है क्लास के अकॉर्डिंग कि उनको घर पे बैठे ही क्लास मिल रही है और बच्चे इसका बेनिफिट ले रहे हैं। तो सभी बच्चों को इसी तरह कंटिन्यू क्लास को अटेंड करते रहना है और अपने को पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि जब तक स्कूलें नहीं खुलती है तब तक आपको घर पे ही ऑनलाइन क्लास पढ़नी है। एग्जाम फिक्स है, आपके टेस्ट जो है शेड्यूल सेट किया हुआ है, आपका वर्क जो है उसको लिखना हो कॉपी के अंदर उसको मंगवाया जाएगा, उसको चेक किया जाएगा। तो हमें किसी भी तरह की लापरवाही इस काम में नहीं करना है और कंटिन्यू अपने वर्क में करते रहना है और स्टडी जो है कंटिन्यू रखना है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे स्कूल के द्वारा सभी क्लासों के लिए सभी सब्जेक्ट्स में क्लासेस चल रही है ना। आज हम इंग्लिश में एट क्लास को पढ़ा रहे हैं। एट क्लास का एक टॉपिक है सीन पैसेज। और सीन पैसेज क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि आपने पहले भी इसको किया है, हाफ ईयरली से पहले हमें इसका पढ़ा था और आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर जो है आपका सिक्स्थ है, जिसका नाम है दिस इज जॉडीज फोन। जैसे कि चल रहा था टॉपिक हमारा, इस चैप्टर को हमने रीड किया था, इसको लर्न भी किया है, इसके क्वेश्चन आंसर मैंने करवाए हैं आपको, आपने नोटबुक में उतार लिए हैं। यदि आप पीछे चल रहे हो तो आपको नोटबुक में नोट करना है, उनको लर्न करना है, ठीक है। और इसी चैप्टर का टॉपिक जो है उसको हम आगे बढ़ाते हैं, जिसका नाम है सीन पैसेज। सीन पैसेज का मतलब ये होता है कि ये पैसेज हमारे पढ़ा हुआ है, यानी जो चैप्टर्स दिए हैं आपकी नोटबुक में टेक्स्ट बुक में, उस चैप्टर में से ही आपके एक पैसेज दिया होता है सामने आपके जो है पेपर में, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा एग्जाम में, वो इस तरह से जो है एक पैसेज आपके चैप्टर में से दिया होता है सामने और उस चैप्टर को हमें पढ़ना है। क्योंकि ये चैप्टर हमारे पढ़ा हुआ है तो इजी हो जाता है, सीन पैसेज जो है वो पैसेज पढ़े हुए होते हैं तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है, ये रिवीजन के रूप में जो है सामने आता है। तो इस चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं और इसका एक पैसेज सामने दिया हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे। फिर पढ़ने के बाद में आफ्टर रीडिंग वी विल टेक द क्वेश्चंस, प्रश्नों को लेंगे, प्रश्न को आपको केयरफुली रीड करना है, पढ़ना है, जिसे मैं समझाऊंगा आपको। और इनको पढ़ने के बाद में इनके सामने जो आंसर लिखे 1, 2, 3, 4 करके आंसर दिए हैं, इन आंसर को भी आपको स्टडी करना है। इनके आंसर इसी में पैसेज में होते हैं, पैसेज पढ़ने के बाद में आंसर समझेंगे, आंसर इसी में से अपने को चूज करना है, उसे चूज करके आंसर लिखना होता है, ठीक है। और बहुत ईजी होता है, बाकी को तो आपको लर्न करना पड़ता है, कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, बट दीज क्वेश्चंस आंसर इन दिस पैसेज यू हैव टू रीड। देखिए पढ़ते हैं, जॉडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन। जैसे जॉडी नाम का वो हम एक बॉय था,
उसने अपने विचारों को इजाजत दे दी, यानी बार बार उसके विचार आए थे, ड्रिफ्ट बैक खींच करके आए थे, थॉट्स विचार उसके दिमाग में बार बार वही विचार थे टू द फोन, किसके बारे में, उसे मृग सावक के बारे में, यानी उस जोड़ी ने इजाजत दे दी अपने विचारों को कि वो अपने दिमाग में वो उसके विचार आए फोन के बारे में, यानी बार बार उसको याद आए थे मृग सावक के बाद। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, ही कुड नॉट कीप इट आउट, वह बाहर नहीं निकाल सका ऑफ हिज माइंड, अपने दिमाग से। मृग सावक को जो भूलने की स्थिति थी वो नहीं कर सका, माइंड से, अपने मन से, अपने दिमाग से, ब्रेन से वो इस बात को, थॉट्स को आउट नहीं कर सका, भूल नहीं सका, उसकी मेमोरी में बार बार ये थॉट्स जो है वो आ रहे थे। माइंड, मन या दिमाग दोनों हो सकता है। He had held it in his dreams. उसने उन सभी को स्टोर किया हुआ था, विचारों को दिमाग में रखे हुए था, इन हिज ड्रीम्स अपने सपनों में रखे हुए था, इन हिज आर्म्स और अपनी भुजाओं में भी रखे हुए था, वो उनको भूल नहीं पा रहा था। He slipped from the table. वे टेबल से चुपके से उतरा, सिर्फ चुपके से निकलना, चुपके से उतरना, टेबल से धीरे से नीचे उतरा वो, एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड, वेंट गया टू हिज फादर्स अपने पापा के बेड साइड बिस्तर की तरफ। पापा जो लेटे हुए थे रेस्ट कर रहे थे ऑन द बेड, ही वेंट देयर, वह वहां गया, वेंट गो की सेकंड फॉर्म है, आप जानते हो गो वेंट गोन सब बता रखा है आपको। एंड वेंट, वह गया टू हिज फादर्स अपने पापा के बेड साइड बिस्तर की तरफ। पेनी ले एट रेस्ट, पेनी लेटे हुए हैं, लेटना ठीक है, एट रेस्ट आराम करने के लिए, पेनी आराम करने के लिए लेटे हुए हैं, उसके फादर जोडीज फादर, हु इज पेनी, पेनी से जोडीज फादर उसके पापा है, तो वो वहां पे लेटे हुए हैं। हिज आईज वर ओपन, उनकी आंखें खुली हुई थी, एंड क्लियर और बिल्कुल साफ थी, आंखें खुली हुई थी और बिल्कुल साफ थी, ओपन खोलना, ऑपोजिट सेट बंद करना, क्लियर साफ, अनक्लियर बद्दा गंदा, तो बिल्कुल साफ थी इसकी आंखें। बट द पीपल्स वर स्टिल डार्क, लेकिन उसकी जो आंखों की साइट है, आंखों की दृष्टि, आंखों की पुतलियां जो है वो बिल्कुल काली थी, डार्क गहरी हो गई थी, काली हो गई थी आंखों की पुतलियां, या उसकी आंखों की नजर जो थी, साइट जो थी वो काली हो गई थी, एंड डायलेटेड और फैली हुई थी, खुली थी, फैली हुई थी, नजरें जो है एक तरह से डार्क जो है ऐसी लग रही थी जैसे पुतलियां काली हो गई है। जोडी सैड, अब जोडी जाकर के पूछता है, क्या पूछा उन्होंने, जोडी ने जाके पूछा, हाउ आर यू फीलिंग पा और क्वेश्चन मार्क, हाउ किस तरह से आर यू फीलिंग, महसूस कर रहे हैं पा, पापा, पा मीन्स फादर, पापा डैडी, पापा आप कैसा फील कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क इनवर्टेड कॉमास बंद। किसी के द्वारा कोई टॉक की जाती है, बातचीत की जाती है, कन्वर्सेशन होता है, तो जो कहे हुए वर्ड जो होते हैं, स्पीच होता है, उसको इनवर्टेड कॉमास में एज इट इज रखते हैं, और वो प्रेजेंट टेंस में होता है, ये बता देता हूँ आपको, ये प्रेजेंट टेंस में होता है, किसी के द्वारा कही गई बात होती है प्रेजेंट टेंस में रखते हैं, इनवर्टेड कॉमास में कही हुई, अगर इसका टेंस चेंज करना पड़ता है तो ये इनडायरेक्ट में बदल जाता है। How are you feeling, पापा? पापा आप कैसा फील कर रहे हैं, प्रश्न पूछा जोड़ी ने जाके। Just fine son,
अच्छा बेटा, बहुत अच्छा बेटा, जस्ट फाइन माने बिल्कुल ठीक, सेटिस्फाइड, संतुष्ट पूर्वक, ठीक, फाइन, जस्ट फाइन, अच्छा। सन बेटा, ओल्ड डैड हैज गॉन थिविंग एज वेल, यानी जो मृत्यु है, जो बुरी बात जो है, ओल्ड डैड का मतलब बुरी बात कह सकते हैं, या जो है जो कठिनाई जो होने वाली स्थितियां हैं वो है, हैड गॉन थिविंग एज वेल, वो कहीं चली गई है, गायब हो गई है, बुरी बात होने वाली वो कहीं चली गई है, वो वहां से निकल गई है। बट वॉजंट इट ए क्लोज सेव, बट वॉजंट इट ए क्लोज सेव, लेकिन क्या यह एक अच्छी बात नहीं है, नजदीक की बात नहीं है जो अच्छी लगने वाली हो। आई एग्री, मैं सहमत हो गया, इस बात से मैं सहमत हो गया। एग्री वर्ड फर्स्ट फॉर्म है, एग्रीड सेकंड फॉर्म, क्या ये अच्छी बात नहीं थी, ऐसा पापा ने बोला। तो इस तरीके से जो है हम इस पैसेज को पढ़ते हैं, और ये बता देता हूँ आपको, चैप्टर 6 का है पैसेज, और चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये रिवीजन के रूप में वापस चल रहा होगा क्योंकि ये सीन पैसेज में आ गया है, ठीक है। तो इसकी रीडिंग हो जाती है, और रीडिंग करने के बाद में इसके क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। अबाउट होम वॉज जॉडी थिंकिंग, किसके बारे में जोडी विचार कर रहे थे, जोडी जो लड़का है किसके बारे में सोच रहा था, किसके बारे में विचार कर रहा था, सीधा आंसर है फोन के बारे में, है ना, क्योंकि वो मृग शावक के बारे में विचार कर रहा था। तो इसका आंसर बनता है जोडी वॉज थिंकिंग, देखो क्वेश्चन बन रहा है जोडी वॉज हेल्पिंग और यहाँ आ जाता है थिंकिंग, जोडी वॉज थिंकिंग अबाउट द फोन, अबाउट के बारे में, फोन मृग शावक, जोडी मृग शावक के बारे में विचार कर रहा था, ठीक है। इसका आंसर इसी मिल रहा है क्योंकि हमने पैसे पढ़ा था, और वैसे भी हम जो है स्टोरी को रीड जब किया था, इसका आंसर हम जानते हैं। व्हाट वाज पेनी डूइंग, पेनी क्या कर रहा था, अब पेनी जो उसके फादर है, उसके फादर वो क्या कर रहे थे, तो देखो पेनी वाज टेकिंग रेस्ट, पेनी आराम कर रहे थे, आराम कर रहे थे, बिकॉज ही वॉज अनवेल, क्योंकि वो अस्वस्थ थे, है ना। तो पेनी वॉज टेकिंग रेस्ट, टेकिंग रेस्ट मीन्स होता है आराम करना, ठीक है, पेनी वॉज, पेनी आराम कर रहे थे। इसमें एक सेंटेंस और देखो दिया हुआ है, पेनी ले एट रेस्ट, पेनी आराम से लेते हुए, आराम से लेते हुए, ये भी बात है वहां पे आंसर हो सकता है ना। लेकिन जिस टेंस में ये क्वेश्चन दिया होता है उसी टेंस में आंसर बनाना होता है, जिस टेंस में क्वेश्चन होता है उसी टेंस में आंसर बनता है। जैसे पास्ट कंटिन्यूस का है तो आंसर भी पास्ट कंटिन्यूस में ही होता है, अगर प्रेजेंट में होता है तो आंसर प्रेजेंट में बनाना होता है, और फ्यूचर टेंस में यदि क्वेश्चन होगा तो आपका आंसर भी फ्यूचर टेंस में ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज पेनी, पेनी कौन है, ये प्रेजेंट टेंस में देखो, हु इज पेनी, हु मींस कौन, पेनी कौन है, तो पेनी इज द फादर ऑफ जॉडी, पेनी इज द फादर ऑफ जॉडी, पेनी जो है जॉडी के फादर हैं, ठीक है, फादर ऑफ जॉडी, जॉडी के पापा, डैडी, ये हमने देखा पढ़ा था। फोर्थ क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, जिसमें सिनोनिम्स हो सकता है, यानी पर्याय बची किसी वर्ड का दे करके, ठीक है, या फिर ऑपोजिट पूछा जा सकता है, जैसे एंटोनिम्स भी कहते हैं, ये पूछा जा सकता है, या फिर किसी तरह का प्लूरल बनाने का हो सकता है, ठीक है, किसी का सिंगुलर पूछा जा सकता है, किसी भी तरह का एक वर्ड में आंसर देना होता है वो आपके पूछा जा सकता है। तो देखो ऑपोजिट टू लाइफ, लाइफ का ऑपोजिट बताना है, तो इसमें क्या है, डेथ, मृत्यु, लाइफ का ऑपोजिट क्या है, मृत्यु, ठीक है, या डेथ लिखा हुआ है, ऑल डेथ हैज गॉन थिविंग एल्सवेयर, तो लाइफ का डेथ होता है, ठीक है। इस तरीके से हमें जो है क्वेश्चन का आंसर देने होते हैं, और अब हम इस पैसेज को रिपीटेशन करेंगे, इसका रीड करके देखेंगे, आपको रीड करना भी आना चाहिए, ट्रांसलेशन भी आना चाहिए, और लर्न भी आपको करना है, वर्ड मीनिंग लर्न करने होते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी लर्न करने होते हैं। तो ठीक है, इसको वापस करते हैं। जॉर्डी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन फुल स्टॉप। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड फुल स्टॉप। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म्स। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेडसाइड। पेनी ले एट रेस्ट हिज आईज वर ओपन एंड क्लियर बट द पीपल वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड। जॉर्डी सैड हाउ आर यू फीलिंग पा हाउ आर यू फीलिंग पा जस्ट फाइन सन। सन का जेंडर चेंज क्या होता है? जेंडर चेंज करते हैं तो डॉटर, ठीक है, प्लूरल क्या होता है? सन्स। All that has gone thieving elsewhere, but wasn't it a close save? I agree. Agree? First form में agreed, second form सहमत होना। मैं सहमत होता हूँ। इस तरीके से आपके जो है passages को आपको read करना है, और जो चैप्टर्स आपको पढ़ा दिए उन चैप्टर्स को आपको रीड करके देखना है। बहुत सारे बच्चों के प्रॉब्लम्स आती है कि उनको जब रीडिंग के लिए बोला जाता है तो दे कांट रीड ए पैसेज ए वर्ड मीनिंग, तो प्रॉब्लम आती है क्योंकि आप उसकी स्टडी कंटिन्यू नहीं करते, आपकी रीडिंग कंटिन्यू नहीं होती। तो आपको रीडिंग कंटिन्यू करना है, स्टडी करके देखना है, तो आपको पढ़ना आ जाता है। ये फर्स्ट का वर्क है, इंग्लिश फर्स्ट की नोटबुक जो आपकी है उसमें इसको आपको नोट करना है, पैसेज को पूरा नोट करने के बाद में इसके नीचे क्वेश्चंस दिए हुए उनको भी आपको नोट करना है। और इसमें जो हार्ड वर्ड है मैं आपको एक बार रिपीट करता हूं, हार्ड वर्ड को एक साइड में आपको नोट करना है। अलाउड इजाजत दी, परमिटेड इजाजत देना, ठीक है। थॉट्स, थॉट्स मीन्स विचार, थॉट मीन्स होता है सोचना, थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट सोचा, पर थॉट्स विचार आइडियाज, आइडियाज होते हैं वो थॉट्स होते हैं, ठीक है। ड्रिफ्ट बैक वापस खींच के आए, वापस उसके मेमोरी में आए, याद आए, रिमेंबर याद आना, ड्रिफ्ट बैक का मतलब रिमेंबर याद आना। इसके बाद में माइंड, मैंने बताया आपको माइंड नहीं होता है, मन या दिमाग दोनों हो सकता है, मन भी हो सकता है और दिमाग भी हो सकता है, ठीक है। माइंड का मीनिंग हेल्ड इट, मैंने रखे हुए थे, होल्ड रखना, सेकंड फॉर्म हेल्ड रखा हुआ था, उनको रखे हुए थे, उन विचारों को रखे हुए थे, ठीक है। ड्रीम्स, ड्रीम्स मतलब होता है सपना, प्लूरल है, बहुत सारे सपने, ड्रीम ड्रीम्स सपने प्लूरल, ड्रीम का प्लूरल ड्रीम्स, ठीक है, सपने। आर्म्स, आर्म्स में जो होता है आपके भुजाएं, आर्म प्लूरल है, आर्म प्लूरल बनता है, आर्म्स भुजाएं, है ना। और आर्म्स का मतलब पता है क्या? आर्म्स का मतलब एक वेपन्स भी होता है, हथियार भी होता है, आर्म का मतलब, है ना। तो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि उसका वर्ड मीनिंग उसमें क्या बनता है। नेक्स्ट स्लिप्ड फ्रॉम, स्लिप्ड फ्रॉम इट मीन्स चुपके से उतरना, चुपके से निकलना, धीरे से आना,
स्लिप होना या धीरे से जाना, ठीक है। तो स्लिप का मतलब चुपके से निकलना। वेंट गो की सेकंड फॉर्म है, मैंने बताया पहले आपको, ठीक है। बेड साइड बिस्तर की तरफ, जो बेड है उसकी साइड। ले ले में चलता है लेटना, रेस्ट आराम आराम करना। ओपन में चलता है खोलना। क्लियर बिल्कुल साफ, ठीक है। पुपिल्स पुतलियां, आंखों की पुतलियां कह सकते हो, आंखों की साइट कह सकते हो। डार्क अंधेरी, घनी या काली, कुछ भी कहा जा सकता है। डायलेटेड फैली हुई। फीलिंग महसूस कर रहा, फीलिंग होता है महसूस करना। फील फेल्ट फेल्ट, फील फेल्ट फेल्ट महसूस करना, ठीक है। आई इंज लगा दी फीलिंग। ओल्ड बुजुर्ग अवस्था, डेथ मृत्यु, ठीक है। और उसके बाद में थीविंग का मतलब है चुराना, चुपके से निकल जाना। एल्सवेयर कहीं पर भी, किसी स्थान पर, किसी भी जगह, एनी प्लेस। क्लोज सेव विशेष बात, नजदीक की बात। एग्री सहमत, एग्री सहमत होना, ठीक है। ये वर्ब है सहमत होना, एग्री सहमत होता है और सहमत होना भी होता है। इसके बाद में आती है अबाउट होम, किसके बारे में। ये नोट करना आपको, इन्हीं सारे वर्ड मीनिंग सुझो में बता रहा हूं आपको। अबाउट होम किसके बारे में, थिंकिंग जैसे विचार करना, थिंक थिंक थॉट थॉट, आईएनजी फॉर्म थिंकिंग विचार करना। डू डू मिस करना भी होता है, हेल्पिंग वर्ड तो डू डज डिड होते ही है, लेकिन डू मिस करना भी होता है, ठीक है। आईएनजी लगी डूइंग कर रहा। इसके बाद में आता है लाइफ मिस होता है जीवन, इसका ऑपोजिट क्या होता है डेथ मृत्यु। इसी तरह इसमें देख लेते कोई वर्ड फॉर्म में, पता ही आपको चैप्टर का मेन वर्ड यही है, मृग शावक। टेक लेना, आईएनजी लगाती ले रहा था, ये ले रहा है, रहा है में यूज करते हैं आईएनजी फॉर्म, है ना, कंटिन्यूस में यूज होता है मोस्टली। तो टी ए के ई टेक टुक टेकन, टेक टुक टेकन, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है ना, दिखा रखी आपको। तो टेकिंग आईएनजी फॉर्म में, रेस्ट मींस रिलीफ आराम, ठीक है। इसी तरह फादर, यू नो आप जानते हो फादर पिता। तो इस तरीके से मैंने आपको सारे वर्ड मीनिंग बताए और इस फ्रेसेस को आपको समझना है और नोटबुक में उतारना है और फिर जब आपकी नोटबुक मंगवाई जाएगी और तब आपको इसको चेक किया जाएगा, इसके मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। बनाने का तरीका मैंने सब बता दिया आपको। आगे नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे, तब हम अब बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।